दोस्तों अगर आप भी भारत के वर्ल्ड कप जीत से खुश हैं और चाहते हैं कि खिलाड़ियों को इनाम के तौर पर करोड़ों रुपए मिले तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों दोस्तों आज का दो का लाइक 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 टारगेट 200 है तो वीडियो को करना बिल्कुल ना भूलें। की जमीन पर 17 साल बाद भारत ने अपना झंडा गाड़ वर्ल्ड कप जीता तो आई सी क्या अब बी के सेक्रेटरी जय शाह ने भी अपना खजाना खोलते हुए टीम इंडिया पर दस करोड़ नहीं बीस करोड़ नहीं बल्कि सौ करोड़ से भी बड़े इनाम का ऐलान कर दुनिया के बड़े बड़े रईसों के पैर कपा दिए तो आखिर दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड के के सेक्रेटरी ने अब कितने करोड़ रुपए इनाम का ऐलान किया है इन महान भारतीय खिलाड़ियों के लिए उसकी पूरी डिटेल उनका वो बयान सब कुछ तो हम आपको दिखाएंगे ही लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडियन टीम के खिलाड़ियों को आखिर इस उपलब्धि के लिए कौन सा गिफ्ट कितने करोड़ मिलने चाहिए अपनी राय नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों सत्रह साल के दर्दनाक इंतजार के बाद आखिरकार भारतीय क्रिकेट टीम टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची और फिर तो कुछ ऐसे चमत्कार हुए कि देखकर हर किसी की आंखें फटी फटी की फटी रह जी हां के मैदान पर भारतीय क्रिकेट टीम जीतेगी ये शुरू से ही नहीं लग रहा था क्योंकि रोहित ने बल्लेबाजी चुनकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी जहां हमारा टॉप ऑर्डर बिखर गया तो सलाम किंग कोहली को उनके ही बल्ले से निकली ऐतिहासिक छिहत्तर रनों की बदौलत भारतीय क्रिकेट टीम एक रन बनाने में कामयाब हुई और टीम इंडिया में नया जोश भर दिया तो भारतीय गेंदबाजों के योगदान को कहां बुलाया जा सकता है बुमराह और अर्शदीप ने कहर बरपाया तो हार्दिक पांड्या ने मिडल ओवर में क्लासेन का शिकार कर मैच का पासा ही पलट कर रख दिया पहले गेंद पर सूर्या के बाउंड्री पर उस जानलेवा कैच ने मैच को टीम इंडिया की झोली में ला खड़ा किया और सात रनों से टीम इंडिया ने सत्रह साल बाद वो कर दिखाया जिसका इंतजार पूरे हिंदुस्तान पलक बिछाकर कर रहा था और फिर एक 140 करोड़ भारतीयों ने दिवाली की तरह तो जश्न मनाया ही साथ ही साथ आईसीसी ने भी चैंपियन बनने के लिए टीम इंडिया को 20 करोड़ रुपए की धनराशि दी लेकिन दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं था तो बीसीसीआई ने अपना खजाना खेलते हुए भारतीय खिलाड़ियों को इतने बड़े इनाम देने का ऐलान किया है कि दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड के भी पसीने छुड़ा दिए हैं जी हाँ दोस्तों इस जीत के बाद जय शाह तो कुछ ज्यादा ही खुश थे सभी भारतीय खिलाड़ियों को मेडल देते समय उन्होंने सबको सीने से लगाकर उनकी पीठ थपथपाई तो वहीं सूर्या के मैच विनिंग कैच को देखकर बीसीसीआई के अध्यक्ष जय शाह काफी प्रभावित हुए और उन्हें स्पेशल अवार्ड से नवाजा अवार्ड देने के बाद उन्होंने सूर्या को गले से भी लगाया बता दें भारत की मेजबानी में 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया में एक नया रिवाज देखने को मिला था हर मैच के बाद एक खिलाड़ी को मैच के बेस्ट फील्डर का अवार्ड दिया जा रहा था फील्डिंग कोच दिलीप ने भारतीय टीम में फील्डिंग की स्टैंडर्ड ऊंचा करने के लिए यह कदम उठाया था सिलसिला टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2024 में भी जारी रहा इस बार मैच में इस स्पेशल अवार्ड को देने के लिए ऐसे में फाइनल मुकाबले में बीसीसीआई के अध्यक्ष जय शाह टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में आए उन्होंने अंतिम ओवर में डेविड मिलर का हैरत अंगेज कैच लेने के लिए सूर्या को इस स्पेशल अवार्ड से नवाजा उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था इसके घंटों बाद अब जय शाह ने टी विश्व कप की विजेता टीम को 125 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है जो कि आईसीसी के द्वारा ऐलान की गई विश्व विजेता की धनराशि से छः गुना ज्यादा था जो दिखाता है कि बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे दिलदार क्रिकेट बोर्ड भी है इसकी जानकारी खुद अब जय शाह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दी है जय शाह ने एक्स पर लिखा मुझे आईसीसी मेंस ट्वेंटी विश्व कप 2024 के विजेता भारतीय टीम के लिए 125 करोड़ रुपए की इनामी राशि की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण प्रतिभा दृढ़ संकल्प और कौशल का शानदार प्रदर्शन किया इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए सभी खिलाड़ियों कोचों और सहयोगी स्टाफ को बधाई और दोस्तों इस खबर के सामने आने के बाद तो पूरी दुनिया दंग है अब हर कोई चाहेगा कि वो भारत से ही खेलें लेकिन दोस्तों हम जय शाह की दरिया दिली पर अब क्या कहेंगे आप अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद